किसान भाइयों, खेती में मेहनत और खर्चे से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है खेती कार्यों का प्रबंधन। और आज कृषि में प्रबंधन से संबंधित एक ऐसे ही विषय पर अपन चर्चा करेंगे जिसका नाम है खरपतवार प्रबंधन। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेती री तकनीक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य किसान साथियों को भी इन ज्ञानवर्धक और उपयोगी चीज़ों की जानकारी मिल सके। किसान साथियों, आप खेत में फसलें लगा रहे हैं, फसलों के साथ साथ आपके कुछ ऐसी वैन क्रॉप्स या अनुपयोगी फसलें भी उग आती है जिनका आपकी फसल से कोई लेना देना नहीं रहता, और ये फसलें आपकी जो मेजर क्रॉप होती है, मुख्य फसल होती है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली होती है, और देसी भाषा में आप लोग इसे खरपतवार के नाम से जानते हैं। अक्सर किसानों को देखा है, जैसा कि आप यहाँ किसान भाई के खेत में देख सकते हैं, ये खरपतवार है जिसे अपन देसी भाषा में भथुआ कहते हैं। ये जंगली सूरजमुखी है, यहाँ पर अपनी गाजर घास है, उग रखी है। किसान की लापरवाही देखिए, इसमें कितने बीज आ रखे हैं। अब तक इन्होंने इस वीड्स को, खरपतवार को खेत से अनुमूलित नहीं किया है, निकाला नहीं है, और इसका फिर दुष्परिणाम ये होगा कि अगले साल जब आप इस खेत को बोएंगे, फसल बोएंगे, तो न जाने कितनी खरपतवार उगेगी और आपको रसायनों का छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे खर्चा तो होगा ही होगा, साथ में आपको जो भूमि की उर्वरक शक्ति है उसको भी आप कमजोर करेंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे खरपतवार के प्रबंधन पर। जैसा कि अपने खेतों में दो प्रकार की खरपतवार अक्सर देखने को मिलती है, एक खरपतवार जिसे किसान भाई अक्सर पशुओं को काट कर खिला देते हैं, जैसे आपका बथुआ है, घास है या अमेरिकन घास है एटसेट्रा, पर कुछ खरपतवारें ऐसी होती है जिन्हें हम न तो पशुओं को डालते हैं और न ही पशु उन्हें खाते हैं, जैसे आपके सामने ये जंगली सूरजमुखी है, गाजर घास हो गई, या ये देसी भाषा में जिसे भाबरा वगैरह बोलते हैं, ये हो गए। तो फिर करना क्या चाहिए, हमेशा ध्यान रखें जब भी आप खेत से खरपतवार को निकाले, जो खरपतवार खाने लायक है उसे पशुओं को डाले, और जो खरपतवार खाने लायक नहीं है उसे उखाड़ कर ऐसे ही न फेंकें। जब तक इस खरपतवार में बीज नहीं आए, आप पशुओं को न खाने वाली खरपतवार को उखाड़ कर पशुओं के गोबर में डालें ताकि आपको एक हरी खाद का लाभ प्राप्त हो सके। किसी भी प्रकार की खरपतवार हो, अगर उसमें बीज आ गए हैं अच्छी तरह से, चाहे वो खाने वाली हो या फेंकने वाली जहरीली खरपतवार हो, कभी भी उसको खेत में न रहने दे और न ही खाने वाली को पशुओं को डाले, क्योंकि जो ये बीज आप देख रहे हैं पशुओं के खिलाने पर भी ये अपच्य है और वापस आपके गोबर में जाएगा और गोबर से उन्हें खेत में आएगा, पुनर्चक्रण से खेत में आएगा और प्रकीर्णन होगा, और फिर से ये खरपतवार आपके खेत को वही दुष्परिणाम देगी जो पहले आप भोगते आ रहे हैं। इसलिए जब भी आप खेत में खरपतवार में किसी भी प्रकार का अगर बीज आया हुआ देखे तो उसे तुरंत उखाड़े और खेत के बाहर किसी कोने में इसको इकट्ठा कर दे, और जब सूख जाए तो इसे जला दें ताकि न तो इसके बीजों का प्रकीर्णन होगा और न ही ये खरपतवार पुनः आपके खेत में जाएगी, आपको महंगे रसायनों का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर देखते हैं किसान भाई खरपतवार को हटाने की बजाय महंगे जो खरपतवार नाशक है उनका उपयोग कर रहे हैं। कई किसानों के खेतों में बथुआ वगैरह हो जाता है या और कोई हो जाती है, 2,4-D वगैरह का रसायनों का छिड़काव करते हैं, और अधिक मात्रा में छिड़काव होने के कारण खरपतवार तो आपकी 1 साल के लिए 2 साल के नियंत्रित हो जाती है, बाकी स्थिति ये होती है कि जो आपकी मेजर क्रॉप होती है वो या तो बीज उगेगा ही नहीं या उग आएगा तो बिल्कुल कमजोर रहेगी। और खरपतवार नाशक का छिड़काव अंतिम इसका समाधान नहीं है, क्योंकि ये 1 साल नहीं उगेगा, 2 साल नहीं उगेगा, 3रे साल ये आपकी खरपतवार फिर से उगेगी। इसलिए किसान साथियों, अगर आपको खेत से खरपतवार का समूल अनुमूलन करना है, जहर मुक्त खेती करनी है, और
कम खर्चे में अधिक लाभ वाली खेती करनी है तो मेजर फसल के साथ साथ आप खरपतवार का प्रबंधन करें, क्योंकि खरपतवार एक ऐसी फसल है जो आपके समय, मेहनत और खर्चे सभी पर दुष्प्रभाव डालती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि आपके लिए और भी नई और रोचक जानकारियां हम वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। राम राम।